स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड इट्स एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन वन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह विधि जिसमें भोजन लिया जाता है और उस भोजन का उपयोग बॉडी के द्वारा किया जाता है उसे न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। क्वेश्चन टू, व्हाट आर स्टोमेटा? वेयर आर दे नॉर्मली फाउंड? स्टोमेटा क्या है और ये नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं? आंसर, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स और ओपनिंग्स इन लीव्स। दे आर नॉर्मली फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा छोटे छिद्र हैं पत्तियों में और ये नॉर्मली अंडर सरफेस लीव्स की अंडर सरफेस पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन लिखिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस को फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर से ली, वाटर सोइल से लिया और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में बना फूड कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और 6CO2 ऑक्सीजन बनी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? हेटरोट्रॉप्स क्या है? द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक दियर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दियर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन। ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ऑल एनिमल्स और ह्यूमन इसके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स? ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? आंसर, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन प्रिपेयर दियर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? आंसर, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज दैट क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड दिस लाइट इज यूज्ड टू मेक फूड फॉर प्लांट। क्लोरोफिल का रोल है फोटोसिंथेसिस में कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रेस करता है और इस लाइट का यूज पौधों के लिए भोजन बनाने में किया जाता है। डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क। क्वेश्चन वन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच अंतर बताना है एग्जाम्पल देते हुए। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स इन प्लांट्स गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट्स में अंतर बताना है एक एग्जाम्पल के साथ। आपको याद होगा टोटल पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से होस्ट पर डिपेंड होते हैं, जबकि पार्शियल पैरासाइट्स वे वाले पैरासाइट्स होते हैं जो अपना भोजन का एक पार्ट तो स्वयं बनाते हैं और अदर भोजन के अदर कंपोनेंट जैसे वाटर और मिनरल्स होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट्स को रीड करके नोट कीजिए। ओके, थैंक्स।